नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां बिल्डर राजीव कुमार के ठिकाने पर छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 17 घंटे तक यहां छापेमारी चली। रांची के 4 लोकेशन पर छापेमारी हुई थी। छापेमारी में करीब 2,14,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं, साथ ही कई सारे जेवरात भी मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। और देखिए, रांची में लगातार ईडी का एक्शन जारी है। कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। रांची से बड़ी खबर है, जहां बिल्डर राजीव कुमार के ठिकाने पर छापेमारी अब खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने 17 घंटे तक छापेमारी जारी रखी और 4 लोकेशन पर यह छापेमारी चल रही थी, जिसमें करीब 2,14,00,000 कैश और जेवरात भी बरामद किए गए। संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अभी तक 4 लोकेशन पर ईडी की टीम ने छापेमारी कल जारी रखी थी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है चारों लोकेशन पर, और उनके नाम अगर आप बता पाए कहां कहां छापेमारी चल रही थी? जी बिल्कुल, बता दें कि रांची में कल 4 लोकेशनों पर एक साथ ईडी की टीम ने पहुंचकर छापेमारी की थी, जिसमें कि राजीव कुमार सिंह, जो कि एक बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके यहां पर छापेमारी की गई। सिंह मोड़ इलाके में उनका घर था और वहां से करीब 2,14,00,000 सहित जेवरात और कई जमीन के दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जिन्हें ईडी अपने साथ ले गई है, जिसकी जांच भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ग्रामीण विकास विभाग के राजकुमार उराव, जो कि इंजीनियर हैं और ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित है, उनके आईटीआई बस स्टैंड स्थित आवास पर भी ईडी की टीम ने तपिश दी थी और वहां से भी कुछ दस्तावेज जो है वो ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई है। इसी के साथ ही जो कांके पतरा टोली इलाके में अजय मुंडा है, वो भी ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर है, वहां पर भी ईडी की टीम ने पहुंचकर छापेमारी की और कुछ दस्तावेज और डिजिटल इक्विपमेंट। चलिए ठीक है ओम प्रकाश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ईडी ने बड़ा खुलासा किया है, जहांगीर के आवास से मिले कैश को लेकर के खुलासा। वीरेंद्र राम ने संजीव लाल को दिए थे करोड़ों रुपए, कमीशन के तौर पर संजीव को दिए गए थे करोड़ों रुपए। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस है संजीव लाल और संजीव के घर से 10,50,000 और 2 गाड़ियां भी जब्त हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। और देखिए, जो बताया जा रहा है कि करीब 35 करोड़ कैश जो बरामद किए गए थे, उस मामले पर ईडी की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जहांगीर के आवास से जो कैश मिले थे, उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वीरेंद्र राम ने ही संजीव लाल को करोड़ों रुपए दिए थे। कमीशन के तौर पर संजीव लाल को ये रुपए दिए गए थे और मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं संजीव लाल। जैसा कि आपको पता है, संजीव लाल के घर से 10,50,000 और 2 गाड़ियां भी जब्त की गई थी। और संजीव लाल के जो सहायक है, जो नौकर है, जिसका नाम जहांगीर बताया जाता है, उसके घर से करीब 35 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। तो ये बड़ा मामला है और जांच का दायरा आगे बढ़ता चला जा रहा है। मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और झारखंड में ईडी की कार्रवाई भी जारी है। ईडी ने रांची में कई नए ठिकानों पर छापेमारी की और कई काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, गिनते गिनते अफसरों के पसीने छूट गए, मशीनें खराब हो गईं, पर नोटों का पहाड़ बढ़ता ही चला गया। मानो ईडी के अधिकारियों ने कुबेर का खजाना ही खोल दिया है। 500 के नोट के बंडल की तस्वीरें जब सामने आई तो देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सबके मन में सवाल यही कि आखिर 35 करोड़ रुपए किसके हैं? पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया, माल पकड़ रहा है मोदी वहाँ। रांची के 5 ठिकानों पर दूसरे दिन भी ईडी का छापा जारी रहा।
इसी दौरान डोरंडा से काले धन का एक और कुबेर ईडी के शिकंजे में आ गया। ठेकेदार राजीव सिंह के घर से ईडी को नोटों का अंबार मिला। मौके से करोड़ों की रकम बरामद की गई। कहा जा रहा है कि ठेकेदार राजीव सिंह का मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल से तार जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक ठेकेदार राजीव ने ही ओएसडी संजीव लाल को 10 करोड़ रुपए कैश दिए थे। राजीव कुमार सिंह जो एक जो सेक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका 10 करोड़ रुपया बकायदा पहले उसमें दिया गया था। यानी कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं संजीव लाल, जो एक मंत्री के ओएसडी रह चुके हैं, उनको उन्होंने यानी राजीव कुमार सिंह ने 10 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन वो 10 करोड़ क्यों दिए थे, किस वजह से दिए थे, ये मामला भी अब तफ्तीश का होगा। ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच ग्रामीण विकास विभाग के कई अधिकारी अब ईडी की रडार पर हैं। विभाग के इंजीनियर राजकुमार उराव के घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की और दस्तावेजों को खंगाला। ये जो घर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजकुमार उराव का घर है, जो कि ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर के पद पर पदस्थापित हैं, और इनके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है और फिलहाल तमाम चीजों को खंगालने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के ओएसडी संजीव लाल की गिरफ्तारी और उनके यहाँ पर हुई छापेमारी के बाद कई अहम जानकारियां ईडी को मिली हैं। पैसे की जो लेन देन की जानकारी हो या फिर जो विभाग में भ्रष्टाचार फैला है उसकी जानकारी हो। तमाम कार्रवाइयों के बीच मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को दोनों ही आरोपियों की 6 दिनों की रिमांड दे दी है। रिमांड अवधि बुधवार से शुरू होगी। ईडी ने सोमवार को मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के आवास से ही 35 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामद की थी। संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकाने से भी 3 करोड़ बरामद हुए थे। झारखंड को भले ही गरीब राज्य कहा जाता है, पर यहां भ्रष्ट धन कुबेरों की कोई कमी नहीं। ऐसे धन कुबेर जो जनता की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी करते हैं, कोई सत्ता का इस्तेमाल करता है तो कोई पावर का। सवाल ये कि इन भ्रष्टाचारियों का किंग पिन कौन है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ रांची से ओम प्रकाश, न्यूज 18। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, जिसमें देखिए अब चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। आज समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार की सभा होने वाली है, जहां एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी के लिए सीएम नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। बिहार में 5 सीट पर तीसरे फेज की वोटिंग मंगलवार को खत्म हो गई। पहले और दूसरे फेज की तुलना में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा बेहतर रहा। पहले चरण में 4 सीट पर मात्र 48.23% वोटिंग हुई थी। दूसरे फेज में मतदान का प्रतिशत 59 रहा, तो थर्ड फेज में कुल 59.80% वोटिंग दर्ज हुई। लगभग 60% प्रतिशत अपनी निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 6 बजे तक 2024 और 19 का जो 19 का लोकसभा इलेक्शन का यही 5 संसदीय क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2019 में इन पांचों का 61 पॉइंट। खगड़िया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और अररिया में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में सुबह से उत्साह था। हालांकि इस बार पहले 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत को बेहतर करने की चुनाव आयोग की कोशिश काम आई। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग परसेंट कम रहा। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन महासेठ में सीधा मुकाबला था। हालांकि आरजेडी से टिकट ना मिलने से नाराज गुलाब यादव ने बसपा की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरकर झंझारपुर की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। सुपौल में जेडीयू के दिलेश्वर कामैत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। मधेपुरा में भी जेडीयू और आरजेडी के बीच ही सीधी लड़ाई रही। जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव के सामने आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप मैदान में थे। अररिया की बात करें तो यहां बीजेपी के प्रदीप सिंह का आरजेडी के शहनवाज आलम से मुकाबला था। तीसरे फेज की 5वीं सीट खगड़िया में एलजेपीआर के राजेश वर्मा और सीपीआईएम के संजय कुशवाहा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 2019 में इन सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी।
एनडीए के सामने पांचों सीट जीत का रिकॉर्ड मेंटेन रखने की चुनौती है, तो एनडीए अलायंस के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वैसे फैसला 4 जून को होगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कल लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज के लिए पूरे देश भर के 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। बिहार में भी 5 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, जहां 54 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब नतीजे जो है 4 जून को आने वाले हैं। देखना होगा क्या कुछ नतीजे इस बार देखने को मिलते हैं। लेकिन अब देखिए, अब अगर हम आपको बताएं तो लगातार अब चौथे चरण को लेकर चुनाव प्रचार का शोर शुरू हो गया है। नेताओं की तरफ से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। आज समस्तीपुर में से नीतीश कुमार जाने वाले हैं, जहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां एनडीए उम्मीदवार श्यामवी चौधरी के लिए वो वोट मांगेंगे। तो आज का कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का, वो हम आपको बता रहे हैं। आज सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर जाने वाले हैं, जहां सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, एलजेपीआर की प्रत्याशी है श्यामवी चौधरी, जिनके लिए नीतीश कुमार वोट मांगने वाले हैं। और आज बेगूसराय के मटिहानी में नितिन गडकरी की जनसभा होने जा रही है, जहां एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो आज नितिन गडकरी भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं, बेगूसराय में वोट मांगेंगे गिरिराज सिंह के पक्ष में। आपको बता दें कि अब चौथे चरण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, चाहे एनडीए हो या एनडीए अलायंस, जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार जो है वो किया जा रहा है और नेताजी प्रचार पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात करें तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी तूफानी प्रचार करने वाले हैं। काराकाट में सभा को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। जहानाबाद में भी तेजस्वी यादव की जनसभा होने वाली है, तो वहीं झारखंड में भी तेजस्वी यादव जनसभा करेंगे। डाल्टनगंज में तेजस्वी यादव की जनसभा होगी और गढ़वा में भी तेजस्वी यादव एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि चौथे चरण से पहले फेज की शुरुआत हो जाएगी झारखंड में। झारखंड में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं वो चौथे चरण से शुरू होने हैं, तो ऐसे में अब झारखंड पर भी नजर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। और वहां पर भी आज वो दो जगह पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, डाल्टनगंज और गढ़वा में उनकी सभा होगी। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की वकालत क्या की। प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार तरीके से लालू प्रसाद पर पलटवार कर दिया। पीएम ने ना सिर्फ एनडी अलायंस के नेताओं की मानसिकता को दलित ओबीसी के खिलाफ बताया, बल्कि खुले मंच से ये बताने की भी कोशिश की कि आखिर इस चुनाव में वे क्यों 400 सीटें मांग रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। चुनावी दंगल के बीच आरक्षण की बात लगातार हो रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण दिए जाने की वकालत की है, जिस पर मच गया है सियासी घमासान। लालू प्रसाद का बयान आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले मध्य प्रदेश के धार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किस तरह लालू प्रसाद के बयान पर प्रहार किया वो सुन लीजिए। जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। यानी एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। लालू प्रसाद ने मुसलमानों को ज्यादा आरक्षण दिए जाने की पैरवी की है, जिस पर सियासी बवाल जारी है। लालू प्रसाद ने आखिर क्या कहा उसे सुनिए।
आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं रिजर्वेशन का मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा चुनावी घम और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।